सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों दी वल। नेपाल के राष्ट्रपति ने 501 कैदियों को दी माफी। साबका नौकरशाह ने प्रगटाई चिंता। आगुआ ने सरकार के इस कदम से दी तसली। सरकार के 9 साल पूरे होने देश भर च प्रैस कॉन्फ्रेंसा करेगी भाजपा। वख-वख सूबों च करनगे प्रैस कॉन्फ्रेंस। सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी से भावुक हुई माता चरण कौर। सरकारां प्रति जाहिर की बेरुखी। एक साल बाद भी पुत नूं नहीं मिलिया इंसाफ। खबरां विस्तार दे नाल। नेपाल दे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उम्र कैद की सजा काट रहे थ्रूहाट नेता ते सिविल लिबरेशन पार्टी दे मुखी रेशम चौधरी समेत 501 दोषियों नूं माफी दे दी है। इस तों पहला मंत्रीमंडल की मीटिंग विच 19 सियासी कैदियों समेत 501 कैदियों नूं राष्ट्रपति माफी तहत रिहा करन दी सिफारिश करन दा फैसला किया गया सी। चौधरी 2015 च कैलाली जिले के टीकापुर इलाके थ्रूहाट अंदोलन नाल जुड़े दंगियां दौरान 8 पुलिस कर्मचारियों समेत 9 लोगों की हत्या करने के मामले च उम्र कैद की सजा काट रहा है। साबका नौकरशाह सिविल सोसायटी के आगुआ ने सरकार के इस कदम से चिंता प्रगटाई है। केंद्र दी मोदी सरकार दे 9 साल पूरे होण ते केंद्रीय मंत्री देश दे वख-वख शहरां च प्रैस कॉन्फ्रेंस करन जा रहे ने। देश दे जिन्हां सूबियां च भाजपा दी सरकार है उत्थे मुख्यमंत्रियां दे नाल मिलके केंद्रीय मंत्री प्रैस कॉन्फ्रेंस करनगे। दूजे पासे जिन्हां सूबियां च भाजपा सत्ता च नहीं है उत्थे केंद्रीय मंत्री ते भाजपा दे सूबा प्रधान मिलके प्रैस कॉन्फ्रेंस करनगे। जानकारी मुताबिक केंद्र सरकार दे मंत्री वख-वख सूबियां च प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे ने ते इन्हां विच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मुंबई च, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी लखनऊ, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अहमदाबाद ते शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करनगे। कर्नाटक के कोपल जिले के कुश्तागी तालुक च कार ते ट्रक विचाले हुई टक्कर च 2 बच्चियां ते इक औरत समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दिंदिया दस्सिया है कि हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग ते कालकेरी पिंड नेड़े वापरिया। पुलिस सूत्रों मुताबिक सारे मृतक विजयपुरा के रहने वाले सन ते ओह कार च बेंगलुरु वल जा रहे सन जदों कि ट्रक तमिलनाडु तो गुजरात जा रहा। सूत्रों ने दस्सिया है कि आमो सामने हुई इस भयानक टक्कर विच पूरी कार ट्रक के अगले हिस्से विच धस गई। उन्होंने दस्सिया कि क्रेन की मदद नाल कार नूं बाहर कढ़िया गया है। सारे मृतकों की लाशों को पोस्टमार्टम लिए हस्पताल भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार हादसे संबंधी मामला दर्ज किया गया है। हादसे से दुख प्रगट करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के वारसों को 2-2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव जिलियां दे दौरियां दौरान हुन अधिकारियां ते जवानां नाल मिलके उन्हां दीआं समस्यावां नूं जाणनगे ते उन्हां दे हल करनगे। इस दी शुरुआत उन्होंने लुधियाने दा दौरा करके कीती है। वडिखाणे दे मौके ते सारे रैंक दे पुलिस अधिकारियां ते जवानां नाल मुलाकात करके उन्हां दीआं समस्यावां नूं सुणिया ते उन्हां दा हल करन दा भरोसा दित्ता। गौरव यादव ने कहा कि अनुभव बहुत वधिया रहा। उन्होंने दस्सिया कि असल च जमीनी पद्धर ते पुलिस मुलाजमां ते उन्हां दे परिवारां दीआं समस्यां सुणनियां जरूरी ने। मरहूम पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला का कतल होया। अज पूरा एक वरा बीत गया। पुत की पहली बरसी से माता चरण कौर वालों भावुक पोस्ट सांझी की गई। उन्होंने लिखा है कि सुखा सुख के वह दिन आया सी जदों मैं अपनी कुख च तुहाडी मौजूदगी नूं महसूस किया। बड़ियां रीझां ते चावां नाल तुहानूं 9 महीने पाल के चढ़दी जून च गल नाल लाया सी ते बिना किसी कसूर तो बिना किसी गुनाह तो कुछ घटिया लोगों ने मेरे बच्चे नूं मेरे तो खो लिया ते अज एक साल हो गया। पुत तुहानूं मैं गल नाल नहीं लाया, तुहाडे नाल कोई दुख सांझा नहीं किया। दस दिए कि 29 मई 2022 पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का शरेआम गोली
गोलियां मार के कतल कर दिया गया सी। इस कतल की जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस बिश्नोई ने ली सी, जिथे सिद्धू मूसेवाला का कतल किया गया सी। बीते दिन ही उस थान ते पाठ करवाया गया सी जिस सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने हाजिरी लवाई। इस दौरान चरण कौर ने भुब्बा मार उन्हां नूं रोंदिया देखा गया। सिद्धू के कतल वाली थान ते पहुंच के चरण कौर ने अपने पुत नूं सैल्यूट भी किया। पंजाब के मरहूम गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला अज भावें इस दुनिया विच नहीं है, पर उसकी सोच ते उसकी आवाज अज भी उसके चाहण वालियां दे मना च जिंदा है। सिद्धू मूसेवाला की सोच नूं जिंदा रखण दे लई उसका एक प्रशंसक उसदियां पेंटिंग बनाउंदा है ते अपने परिवार का गुजारा भी पेंटिंग बना के कर रहा है। गुरदासपुर का रहने वाला पेंटर राजा हुण तक सिद्धू मूसेवाले दियां 150 तो वध पेंटिंग बना चुके। उसने कहा कि सिद्धू के जाण तो बाद सिद्धू मूसेवाला ने उसनूं रुजगार दिता ते उह हुण सिर्फ सिद्धू मूसेवाला दियां ही पेंटिंग बना के अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि वह सिद्धू तो काफी प्रभावित होया। चले दी पेंटिंग जी, मैं बाई के जाने तो पहला भी कोई 8-10 पेंटिंग बनाई सी। तो बाई बाई के जो बाई चले गए दुनिया तो उस टाइम मैं एक पेंटिंग जी श्रद्धांजलि के तौर पर बनाई सी, तो वो जी लोगों ने बहुत पसंद की। उस तो बाद मैं लोगों ने बहुत ज़्यादा काम दिता जी। अज के टाइम से मेरे को घट्टो घट्ट 50-60 पेंटिंग बुक ने जी। हूँ तक कि पेंटिंग बना चुके हो तो जगह बना चुके? मैं जी पंजाब लगभग सारा कवर कर दिता जी, तो अपने राजस्थान हरियाणा हिमाचल भी कुछ पेंटिंग बनाई ने, हरियाणा भी तो राजस्थान भी बना दी थोड़ी पेंटिंग। मूसेवाला जी मैं शुरू तो फैन सी, ते बाकी जिदा मतलब मैं गाने बहुत वधिया लगते सी, ते जिदा कुछ हुण जिदा लोकी बहुत ज़्यादा प्यार करते सिद्धू मूसेवाला दी पेंटिंग बनाने करके, तो मैं हुण ज़्यादा पेंटिंग जिहड़ी सिद्धू मूसेवाला दी बनांदा जी। मामला अमृतसर के मजीठा रोड विखे नहरू कलोनी दरगाह बाबा मीर शाह है, जिथे देर रात दरगाह कमेटी के मैंबर के इलाके के नौजवानों विचाले हुई झड़प के चलद इटा रोड़े चली। मामला पुलिस को पहुंचने पुलिस अधिकारियों वालों पूर्ण तौर पर जानकार बन की कार्रवाई का भरोसा दिता गया। इस संबंधी इलाके के नौजवान लक्की ते राहुल भट्टी ने दस्सिया है कि उन्होंने वालों रात दरबार से सेवा की जा रही थी, करीब 9 बजे के लगभग प्रधान गुरमीत वालों उन्होंने दरगाह तो कढ़न की गल की गई, पर इसका विरोध करके वह भड़क गया ते उन्होंने इट्टा रोड़े चलाए गए, जिस विच 3 नौजवान बुरी तरह जख्मी हुए ने। उन्होंने पुलिस प्रशासन को इंसाफ की मांग की। उधर दरगाह कमेटी के प्रधान ने सारे दोषों बेबुनियाद करार दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक उमर विजय प्रताप सिंह वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उमर विजय प्रताप सिंह ने दसिया कि उन्होंने नाँ से हजारों रुपया की ठगी मारी गई। कोई अणपछात्या व्यक्ति मोबाइलों की दुकान से फोन करके उमर विजय प्रताप सिंह का पता 10,000 रुपया का मोबाइल मंगवा है। उमर विजय प्रताप ने दसिया कि उन्होंने नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा। ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ CM ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ CM ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ
तुसी मोबाइल फोन दे दो, पैसा कुंवर विजय प्रताप MLA दे दफ्तर तो तुहानू मिल जाएगा। ठीक है जी, उन्होंने चलो इनकार करता। फिर मैनू कल किसे दा फोन आया, मैं बुला लिया कि उस व्यक्ति ने फोन करके इन्हां नू भगवती एजेंसीज करके है उन्होंने वो करके सैमसंग का एक स्मार्टफोन ले भी लिया। किस लेन का भी तरीका देखो, वो कर कि ग्रीन एवन्यू कुंवर विजय प्रताप MLA साहब के दफ्तर के मैं काम करता हाँ, मैं उन्होंने नाल ही हूँ, तुम फोन दे दो, किसी को गिफ्ट करना है। बिलिंग जसप्रीत कौर ना दे किसी व्यक्ति का ना ले रहा। सोशल मीडिया से एक वीडियो तेजी नाल वायरल हुई सी, जिस विच जिला गुरदासपुर के पिंड सोच की रहन वाली एक लड़की दीवे की रोशनी विच पढ़ाई करती दिखाई दे रही सी। दरअसल बिना पिता के इस बच्ची की घर की बिजली बिल ना देने कारण कटी गई सी, इसलिए बच्ची दीवा बाल के पढ़ाई करती नज़र आ रही सी। ते बाद विच वीडियो वायरल होने ते बिजली विभाग वालों भी कुछ रियायत दी गई, तो समाज सेवी संस्थावां भी अगे आईया। तो हुण दीवे की रोशनी विच पढ़ने वाली इस बच्ची वालों 12वीं की प्रीख्या विच अपने कॉलेज विच टॉप किया गया। तो बच्ची कमलप्रीत 12वीं की प्रीख्या 90.8% नंबर लैके पास हुई है, जिस तो बाद समाज सेवी संस्था KRT फाउंडेशन वालों इस दी अगे दी पढ़ाई का सारा जिम्मा चुकया गया। गुरदासपुर के पिंड तिब्बड़ विच किसे गल नूं लैके दो गुटां विच झगड़ा हो गया, जिस विच दोवें धड़ियां दे तीन लोग जख्मी हुए। दोवें धड़े एक दूजे ते पहलां झगड़े की शुरुआत करन दे दोष मार रहे ने। एक धड़ा दूजे ग्रुप के नौजवान ते अपनी धी नाल छेड़छाड़ का दोष लगा रहा है, जदों की दूसरी धिर पुरानी दुश्मनी नूं झगड़े का कारण दस रही है। झगड़े च तीन लोग जख्मी हुए ने, जो कि सिविल हस्पताल विच जेरे इलाज ने। ते पुलिस वालों दस्या जा रहा है कि डॉक्टरों वालों भेजी गई मेडिकल रिपोर्ट के आधार से अगली बनती कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा हलका तरन तारण तो विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल वालों हलके च विकास कार्ज जंगी पद्धर से करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते विधायक सोहल वालों तरन तारण के श्री चंद्र कलोनी दी सड़कों के नवीनीकरण का उद्घाटन किया गया। इस मौके विधायक डॉक्टर सोहल ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने लिए कई तरह के विकास कार्ज किए जा रहे हैं, तो शहर को सुंदर बनाने दे विच कोई भी कसर बाकी नहीं छड़ी जा रही। दमदमी टकसाल के मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा पिंडरांवालिया की रहनुमाई हेठ जून 1984 वापरे तीसरे घल्लूघारे के समूह शहीदों की याद च मनाए जा रहे 39वें शहीदी जोड़ मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई ने, जिसके प्रबंधों अंतिम रूप देने लिए दमदमी टकसाल के हैडक्वार्टर गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता जत्था पिंडरां विखे सिखरली मीटिंग की गई, जिस विच बहुत सारे संतां महापुरखां जथेबंदियों के आगुआं सेवा सुसायटी के नुमाइंदियां ते वड्डी गिणती च संगतां ने हाजरी भरी। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।